नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, AAO, ICR, BHU, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, AAO, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोग 103 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। आज 104 क्वेश्चनों से लेकर 60 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, इन सब परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हेस्पेरेडियम ब्लूस्टा और एफिसारिका किसके रूपांतरण है? ये फल के प्रकार हैं, तो किसके हैं? हेस्पेरेडियम ब्लूस्टा और एफिसारिका, ये बेरी हैं, ड्रूप हैं, या पोम हैं, या नट हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेरी। ठीक है, बेरी जो है इन फलों का जो प्रकार है, चाहे हेस्पेरेडियम हो, ब्लूस्टा हो, एम्फिसारिका, इन सब का फलों का प्रकार जिसमें आते हैं वो बेरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बेरी में आ जाएंगे। इसके अंतर्गत और भी चीज़ देखेंगे, जैसे टमाटर है, बेरी में कौन कौन से आते हैं? टमाटर आ जाएगा, पपीता है, बैंगन है, अंगूर है। ठीक है, इन सब का फल का प्रकार बेरी होता है। हेस्पेरेडियम की बात करें तो हेस्पेरेडियम में संतरा, नींबू, चकोतरा, मौसमी, ठीक है, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो हेस्पेरेडियम में आ जाएंगे। ब्लूस्टा की बात करें तो ब्लूस्टा के अंदर अनार आएगा, आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। एम्फिसारिका की बात करें तो बेल और केथ, ठीक है, बेल की तरह ही केथ भी होता है, तो ये इनका फल का प्रकार होता है एम्फिसारिका। पोम की बात करते हैं, पोम जो है सेब आ जाएगा, नाशपाती और लुकाट, सेब, नाशपाती, लुकाट, इनका फल का प्रकार होता है पोम। ठीक है, ड्रूप की बात करेंगे, ड्रूप में आप लोग जानते हैं मैंगो सबसे अधिक बार पूछा गया है, तो आम का फल का प्रकार क्या होता है? तो अस्टिल यानी कि ड्रूप होता है। नारियल का क्या होता है? वो भी ड्रूप होता है। आड़ू, बैर, इन सब का फल का प्रकार ड्रूप होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं UPPCS 2001, UPPCS प्री के अंदर 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से पैक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, पैक्टिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? पपीता, आम, आंवला, अमरूद, तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अमरूद जो है ये पैक्टिन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया। एक चीज़ और पूछा जाता है कि अमरूद से पैक्टिन प्राप्त होता है और पपीता से भी पैक्टिन प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन अमरूद से पैक्टिन प्राप्त होता है, इसमें जेली का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जेली बनाया जाता है अमरूद के पैक्टिन से। और पपीता में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और आंवला की बात करेंगे तो इसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106। 106 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फलों के पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? मीथेन का, ऑक्सीजन का, एथिलीन का, या एसिटिलीन का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एथिलीन गैस का उत्सर्जन फलों के पकते समय होता है। एथिलीन को 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया था। ठीक है, यह केवल हार्मोन ही गैस के रूप में होता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एक गैस के रूप में होता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। बहुत बार यम आया है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फल पकाने वाला हार्मोन्स कहलाता है, तो एथिलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107। 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय बताना है। ठीक है, आपको प्रूनिंग का समय बताना है। सेब के अंदर कौन से सीजन के अंदर करते हैं,
ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, शीतकालीन या किसी भी मौसम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि समर सीजन के अंदर किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं सेब के पौधों में कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग ग्रीष्मकालीन मौसम में किया जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में फल आते हैं। ठीक है, यानी कि फल कब आते हैं, सितंबर अक्टूबर में फल मिलने लगते हैं। और जो भी फल इसमें पैदा होते हैं वो जो नई शाखाएं निकलती हैं उसी पर ये फल अधिकतर लगते हैं। ठीक है, इसलिए प्रूनिंग इसमें आवश्यक हो जाता है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लीची का मुख्य विषमता है, ठीक है, मेजर डिसऑर्डर ऑफ लीची, तो इसमें से बताना है कौन सा है। फलों का गिरना, धूप में झुलसना, गमोसिस या फलों का फटना। गमोसिस तो नींबू वर्गीय फल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फलों का फटना। ठीक है, फलों का फटना एक लीची में प्रमुख डिसऑर्डर है, याद रखेंगे। ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये बोरान तत्व की कमी के कारण फल फटने लगते हैं। और भी चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो कि बार बार यहाँ से भी परीक्षाओं में आने की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना है। लीची के मुख्य विषमता जो है फलों का फटना है, ये बता चुके हैं। पौधों के पोषक तत्व संबंधी विकार हैं, जैसे एक तरफ फल दिया हुआ है, दूसरी तरफ विकार और पोषक तत्व की कमी। ठीक है, फल देखेंगे लीची, लीची में सबसे प्रमुख डिसऑर्डर होता है फलों का फटना। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, ये बोरान तत्व की कमी से होता है। सेब की बात करेंगे, सेब में फलों का फटना किसकी कमी के कारण, बोरान तत्व की कमी के कारण। अंगूर में हैन एंड चिकन, ठीक है, ये डिसऑर्डर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंगूर में हैंड एंड चिकन जो होता है ये भी बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। आम की बात करेंगे तो आम में नेक्रोसिस यानी कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, ठीक है, ये भी बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, वैसे तो धुआं के कारण होता है, भट्टों के धुआं के कारण ये होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर नज़दीक में भट्टे नहीं हैं तो ये बोरान तत्व की कमी के कारण भी होता है। इसलिए इसमें 0.6% की दर से बोरेक्स का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जो भट्टे होते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बागवानी हमारी लगानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नींबू, नींबू में डाईबैक लगता है, लिटिल लीफ लगता है। ठीक है, डाईबैक और लिटिल लीफ लगता है, जो कि एक गमोसिस भी आपको याद रखना है। लिटिल लीफ, डाईबैक और गमोसिस, ये डिसऑर्डर है किसके, नींबू वर्गीय फल के। ठीक है, ये कॉपर की कमी के कारण होता है। अनार की बात करेंगे तो फलों का फटना अनार में बोरान तत्व की कमी कारण। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षाओं में यहाँ से पूछी जाती हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि पर डे हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में क्लास लेकर आते हैं जो कि एग्रीकल्चर TA एंड सुपरवाइजर STA के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 109, अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक पर्द जिसको प्लास्टिक फिल्म के नाम से भी जाना जाता है, इसकी मोटाई कितनी रखते हैं, 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 75 माइक्रोन या 100 माइक्रोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 माइक्रोन। यहाँ पर देख सकते हैं अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक पर्त की मोटाई जो है 100 माइक्रोन रखते हैं। ठीक है, पलवार क्या होता है, नमी संरक्षण के लिए किया जाता है पलवार, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नॉन क्लाइमेट्रिक फलों का युग्म है, इसमें से बताना कौन सा नॉन क्लाइमेट, दो प्रकार के होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फलों का इसमें से बताना कौन सा है, पपीता फालसा क्या नॉन क्लाइमेट्रिक्स हैं, आम अंगूर, नींबू लीची या फालसा अमरूद, इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नींबू और लीची ये तोड़ाई के बाद पकते नहीं हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार के नॉन क्लाइमेट्रिक है, बाकी पपीता फालसा आम अंगूर फालसा अमरूद ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक वे फल होते हैं जो बिना एथिलीन के पकें
और उनमें श्वसन दर तोड़ने पर कम हो जाती है, जैसे नींबू, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये सब नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल कौन सा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बनिक अम्ल बताना है अंगूर के अंदर कौन सा होता है। टार्ट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नींबू अंगूर के अंदर यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अंगूर के फलों में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण फल जो है फलों में 24 से 28% शर्करा पाई जाती है। अंगूर की खेती के लिए पीएच मान 6.5 से 7, 7.5 तक रखा जाता है। ठीक है, पीएच भी आपको याद होना चाहिए 6.5 से 7.5। और अंगूर के फलों में शर्करा कितनी पाई जाती है, 24 से 28% पाई जाती है। और इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। केले के प्रवर्धन के लिए शकर कितने पुराने होने चाहिए, 1 से 2 महीने, 3 से 4, 5 से 6 या 10 से 12। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 से 4 माह पुराने होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक उत्तक क्षय रोग सर्वाधिक ग्रसित आंवला की कौन सी प्रजाति में होता है। ठीक है, आपको बताना है एनोला की जो खेती होती है उसके अंदर सबसे प्रमुख रोग होता है उत्तक क्षय रोग। तो ये कौन सी वैरायटी के अंदर सबसे अधिक प्रभावित करता है, कृष्णा, फ्रांसिसिस, कंचन या चकिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांसिसिस जो वैरायटी है आंवला की, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, यह आंवला की पछेती किस्म है। ठीक है, पछेती किस्म है फ्रांसिसिस जो है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसी को हाथी झूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में फ्रांसिसिस का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से और हम जानते हैं, तो हाथी झूल के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नींबू वर्ग में बहुभ्रूणी प्रजाति है, चकोतरा है, तुरंज है, खट्टा चकोतरा है या ग्रेप्स फ्रूट है। तो यहाँ पर पॉलीएम्ब्रोनी वैरायटी बताना है, स्पीसीज बताना है सिट्रस की कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेप फ्रूट, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसको विलायती चकोतरा के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी वैरायटियाँ याद रखेंगे, चकोतरा, तुरंज, खट्टा चकोतरा। ठीक है, ये सब भी बहुभ्रूणीय प्रजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 115 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान लगभग कितना है, 10% है, 15% है, 20% या 25% है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 से 11% आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम रैंक पूछे तो तमिलनाडु हो जाएगा 13.3, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कुरकन एक लवण सहनशील मूल वृंत है, आम का है, नींबू का है, आंवला का है या अमरूद का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैंगो का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रूट स्टॉक किसका है, मैंगो का है, याद रखेंगे, साल्ट टॉलरेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117 दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम में, कैन सुपरवाइज़र के अंदर, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, अगर उनके अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा पूसा मेजेस्टी एक उन्नतशील प्रजाति है,
किसकी है? आम की है, नाशपाती की है, पपीता की है या केला की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पपीता की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी वैरायटियाँ हैं, इनको भी आप लोग यहाँ देख लेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। पपीता की कुछ वैरायटियाँ आपको याद रखना है, जैसे पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलेसियस, पूसा नन्ना, सबसे वोनी प्रजाति है पूसा नन्ना, याद रखेंगे ठीक है। सूर्या, पंजाब स्वीट, बेंगलोर, ये सब वैरायटियाँ हैं पपीता की। आम की बात करेंगे तो आम्रपाली सबसे वोनी प्रजाति मैंगो की, रत्ना है, मलिका है, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली और इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है ठीक है। गुलाब खास, नीलम, ये सब वैरायटियाँ मैंगो की हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। नाशपाती की बात करेंगे तो चाइना काफ़ी फेमस वैरायटी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। पत्थरनाक, लिंकेट, स्मिथ, सुहाने, पंजाब गोल्ड, उसके बाद रेड ब्लस, ये सब नाशपाती की वैरायटियाँ हैं। उसके बाद केला की वैरायटियाँ की बात कर लेंगे, कौन कौन सी वैरायटियाँ जो फेमस है, जैसे लाल कली, रेड बनाना ठीक है, लाल कली को ही रेड बनाना के नाम से जानते हैं। BRS1, BRS2, रोबेस्टा, Co1, FHIA1 ठीक है, ये सब वैरायटियाँ केला की हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, निर्यात आय अधिकतम होती है, सेब से होती है, काजू से होती है, आम से होती है, स्ट्रॉबेरी से होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपोर्ट ठीक है, इनकम जो होती है, अर्निंग जो होती है, अधिकतम किससे होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 118 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है, काजू से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे काजू ठीक है। काजू जो है ये, इसको बेचकर हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं ठीक है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बताएं तो 953,000 हेक्टेयर काजू का है ठीक है। देश में उत्पादित जो काजू का निर्यात बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में किया जाता है। भारत में जो सबसे ज़्यादा काजू देखने को मिलता है वो केरल, महाराष्ट्र क्षेत्र जो है, यहाँ पर काजू सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विंटर बनाना एक प्रजाति है, किसकी है? केला की है, नाशपाती की है, सेब की है या अंगूर की है? यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, UPPCS प्री में 2008, 1997, UPTGT के अंदर, UPPCS प्री के अंदर, UDA के अंदर, LDA के अंदर ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो विंटर बनाना काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो ये वैरायटी हो जाएगी बनाना की ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, विंटर बनाना ये केला की वैरायटी नहीं है, यहाँ पर सेब की हो जाएगी ठीक है, सेब की वैरायटी है, हम खुद कंफ्यूज हो गए थोड़ा ठीक है। ये एप्पल की वैरायटी है विंटर बनाना, यहाँ देख लेंगे। और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जैसे जल्दी पकने वाली सेब की वैरायटियाँ, समर गोल्डन, पिपकिन, अर्ली सनबरी, ये सब सेब की जल्दी पकने वाली है। मध्यम पकने वाली किस्में ऑरेंज पिम्पिन, जोनेथन, रेड डेलेसियस, गोल्डन डेलेसियस, ये सब मध्यम पकने वाली वैरायटियाँ हैं। देरी से पकने वाली वैरायटियाँ सेब की, रोम ब्यूटी है, विंटर बनाना ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं देरी से पकने वाली वैरायटी है सेब की विंटर बनाना, ये आपको याद रखना है। किंग पिम्पिन ठीक है, येलो न्यूटन, लाल अंबरी, तो यहाँ पर पूछ सकता है देरी से पकने वाली वैरायटी, इसका नाम देकर पूछ सकता है, तो विंटर बनाना देरी से पकने वाली वैरायटियाँ हैं। लाल अंबरी बहुत बार पूछता है किसकी वैरायटी है, तो ये भी सेब की वैरायटी हो जाएगी। विंटर बनाना एक प्रकार की सेब की देर से पकने वाली वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 120 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति की, यहाँ पर देखेंगे द्रुत शीतन की कितनी आवश्यकता होती है ठीक है, तो यहाँ पर बताना है चीलिंग रिक्वायरमेंट कितनी आवश्यकता होती है सहारनपुर प्रभात आड़ू की वैरायटी को, चीलिंग रिक्वायरमेंट पूछ रहा है ठीक है। तो सहारनपुर प्रभात को, यानी कि जिसको पीच है, इसकी वैरायटी सहारनपुर प्रभात कितनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 500 घंटे की आवश्यकता होती है, चीलिंग रिक्वायरमेंट 500 घंटे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी कुछ वैरायटियाँ हैं आड़ू की जिनको चीलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, उनको भी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा किसको आवश्यकता होती है, सबसे कम किसको आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखेंगे आड़ू की कुछ प्रजातियाँ हैं, पियर की कुछ प्रजातियाँ हैं, उसके बाद यहाँ पर दिया है चीलिंग रिक्वायरमेंट घंटों में, सहारनपुर प्रभात 500, ये एग्जाम में पूछा है। सान
सन ए पंजाब इसका 300 घंटे होता है, सन रेड का 300 घंटे, यहाँ पे फ्लोरिडा रेड इसका 75 घंटे, अल्बर्ट का होता है 850, सबसे ज़्यादा इसी का देखने को यहाँ पे मिलता है 850, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट पियर का किसका होता है, तो यहाँ पर अल्बर्ट वेराइटी जो है पियर की इसका 850 होता है। सन गोल्ड का याद रखेंगे 550 और बोनीटा का याद रखेंगे 500। तो ये सब वेराइटियाँ भी आप लोग याद कर लीजिए, पूछता है सन रेड, फ्लोरिडा रेड और अल्बर्ट, सन गोल्ड, बोनीटा, ये सब किसकी वेराइटियाँ हैं, तो ये सब पियर की वेराइटी हैं, ठीक है। यहाँ पर आड़ू की, ठीक है, याद रखेंगे आड़ू की वेराइटियाँ, पीच की वेराइटियाँ, पीच इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 121। निम्न में से कौन फलों की रानी कही जाती है, फलों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, आम को कहते हैं, केला को कहते हैं, मैंगोस्टीन को कहते हैं, एवोकाडो कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंगोस्टीन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंगोस्टीन को हम किस नाम से जानते हैं, फलों की रानी के नाम से जानते हैं, फलों का राजा मैंगो हो गया। कुछ और भी हैं उपनाम जिनको फलों के जैसे अन्य नाम है, नाम यहाँ पर दिया है फलों की रानी मैंगोस्टीन, अगर ऑप्शन में मैंगोस्टीन नहीं दिया है तो लीची दे सकता है, अगर लीची नहीं दिया है तो यहाँ पर मैंगोस्टीन दे सकता है, ठीक है। फलों का राजा जानते हैं, आम को कहते हैं, राष्ट्र फल कह सकते हैं, बाथरूम फल कह सकते हैं, ठीक है, आम को कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ किसको कहते हैं, केला को कहते हैं, एडम फिंक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। उष्ण जलवायु का सेब अमरूद को कहते हैं, शुष्क फलों का राजा बेर को कहते हैं, शीतोष्ण फलों का राजा सेब है, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन, ये सब उपनाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, आयरन की मात्रा पूछ रहा है, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, आम में पाया जाता है, खजूर में, करौंदा में, सेब में। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें करौंदे के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करौंदे में सबसे अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। कितनी मात्रा पाई जाती है ये भी यहाँ देखें, करौंदे के अंदर 41.1%, खजूर के अंदर 10.6%, नींबू का रस के अंदर 2.2%, सेब में 1%, आंवला में 1.2%, अनानास में 1.2%, अमरूद में 1.4%। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, 41.1% करौंदे के अंदर। अगर ऑप्शन में करौंदा नहीं है तो खजूर याद रखेंगे 10.6%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर, 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, पेज कलिकायन द्वारा किया जाता है, या टी कलिकायन द्वारा किया जाता है, या आई कलिकायन द्वारा किया जाता है, या गूटी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टी कलिकायन, टी बडिंग द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ फल वाले पौधे हैं जिनका प्रवर्धन निम्न प्रकार से किया जाता है, उनको भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फलदार पौधे के नाम दिया हुआ है, एक तरफ दिया है प्रवर्धन विधि, बेल की बात करें तो बेल में जो प्रवर्धन किया जाता है टी कलकैन द्वारा किया जाता है, नींबू की बात करेंगे तो बीज द्वारा किया जाता है, अनार की बात करेंगे तो कटिंग और गूटी द्वारा किया जाता है, केले का प्रवर्धन स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है, बैर का प्रवर्धन रिंग कलिकायन या टी कलिकायन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जामुन, पपीता, फालसा, इनका सीड द्वारा किया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का रनर्स के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, एक या दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ 49 किस फल की प्रजाति है, आम की है, अमरूद की है, लीची की है, या पपीता की है। तो लखनऊ 49 एक प्रकार की अमरूद की प्रजाति है, इसको सरदार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सरदार के नाम से भी जाना जाता है लखनऊ 49 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर, यहाँ पे अमरूद की और भी कुछ वेराइटियाँ हैं, जैसे देखेंगे इलाहाबाद है, इलाहाबादी सफ़ेदा, ठीक है, चित्तीदार और एप्पिल, सुप्रीम, माइल्ड, फ्लेश्ड, बेदाना, ठीक है, बेदाना में सीड कम पाए जाते हैं, ढोलका, नासिक, धारवाड़, धारीवाल, तो ये सब वेराइटियाँ हैं
अमरूद की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से फलों पर विचार करें, पपीता, अनानास, केला, ये तीन फलों के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से फल वृक्षों का व्यावसायिक स्तर पर उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन द्वारा क्या पपीता तैयार किया जाता है, अनानास तैयार किया जाता है या केला तैयार किया जाता है। ऑप्शन में इस प्रकार दे दिया गया कि 1, 2, 3 सही है, 2 या 2, 3 सही है, या केवल 3 सही है, या केवल 2 सही है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब ऊतक संवर्धन द्वारा हम पपीता को भी तैयार कर सकते हैं, अनानास को भी तैयार कर सकते हैं, केला को भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2 और 3 ये तीनों राइट हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किन्नो मूलता क्या है, टेंजरीन है, टेंजोर है, मैंडरीन है या सिट्रेंच है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किन्नो, एक प्रकार का मैंडरीन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये विकसित किया गया था बी फ्रोस्ट के द्वारा। ठीक है, एच बी फ्रोस्ट के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो क्रॉस होता है एक होता है किंग, ठीक है, किंग क्रॉस विलो, ठीक है, किंग क्रॉस विलो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके मैंडरीन को निकाला गया है। ये भी आप याद रखें, कब निकाला गया था, तो सन भी आपको याद रखना है 1935 में। ठीक है, 1935 में निकाला गया था, और ये कहाँ से निकाला गया, कैलिफोर्निया से निकाला गया था। ठीक है, कैलिफोर्निया से निकाला गया था। क्रॉस कौन सा था, F1 क्रॉस था। ठीक है, F1 संकर था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 आप लोगों के बीच में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नर फूलों के अनुपात वाली आंवले की किस्म कौन सी है। इसमें से बताना है कि आंवले की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें मादा और नर दोनों का अनुपात अधिक होता है, कृष्णा में, कंचन में, या NA9 में, या NA6 में। ठीक है, NA का मतलब होता है नरेंद्र आंवला। ठीक है, तो ये इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि NA9, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र आंवला 9। और इसकी उत्पत्ति देखेंगे, इसकी उत्पत्ति बनारसी किस्म के संयोग से सिलेक्शन करके वहाँ से निकाली गई है। इसके जो फल जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, कम से कम 47.5 ग्राम का एक फल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि आंवला NA, नरेंद्र आंवला 9 जो है एक प्रकार की अगेती किस्म है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें मादा और नर फूलों का अनुपात जो होता है ये उच्च होता है। आंवला की और भी किस्में हैं, इनको भी आपको याद रखना है, जैसे बनारसी है, कृष्णा है, चकैया, हाथी झूल है, बलवंत है, कंचन है, नीलम है। ठीक है, नीलम मैंगो की वैरायटी है, तो यहाँ पर आपकी आंवला की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। NA6 है, NA10 है, NA7 है, ये सब आंवले की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर दोस्तों में करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार के वीडियो रोजाना हम शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। मौसम्बी, इसका क्या साइंटिफिक नेम होता है, सिट्रस साइनेंसिस। सावर ऑरेंज का सिट्रस मार्टिफोलियो। कागजी नींबू का सिट्रस ऑरेंटिफोलियो, या तुरंज का होता है सिट्रस मेंडिका। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सावर ऑरेंज का सिट्रस मार्टिफोलियो नहीं होता है, तो इसलिए इनकरेक्ट हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से इसमें किसका किसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मौसम्बी का जो होता है सिट्रस साइनेंसिस होता है। संतरा की बात करते हैं सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। महानींबू का सिट्रस पैराडिसिक होता है। नींबू का सिट्रस ऑरेंटिफोलिया होता है। लेमन का सिट्रस लेमन होता है। उसके बाद तुरंज का सिट्रस मेडिका होता है। स्वीट लाइम का क्या होता है, सिट्रस लेमेटा।
ठीक है, सिट्रस लिमेटा होता है। उसके बाद सावर ऑरेंज, यही इनकरेक्ट था, इसका होता है सिट्रस ऑरेंटिनियम, ठीक है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 119, ये सब आपको याद होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सबका वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सिट्रीज संकर है, सिट्रीज जो है ये किसका संकर है, ये आपको बताना है। तो सिट्रेज बताना है किसका संकर है, किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पानसीरस ट्राइफोलिएटा क्रॉस होता हो जाएगा इसका सिट्रस सेंसेसिस, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्रॉस है उनको भी आप हम लोग देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट हैं। यहाँ पर परीक्षा में जो पूछा जाता है सिट्रेज का भी देखें हैं, इसको हम स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं या माल्टा के नाम से इसको जानते हैं, तो इसका क्रॉस था पानसीरस ट्राइफोलिएटा, क्रॉस हो जाएगा सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके सिट्रेज निकाला गया। उसके बाद सिट्रेड्रेन पूछता है, एक तो पानसीरस ट्राइफोलिएटा क्रॉस संतरा के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, सिट्रोमेलस पूछता है पानसीरस ट्राइफोलिएटा क्रॉस महानींबू, उसके बाद लाइम क्वार्ट पूछता है तो लाइम फार्चुनेला जैपोनिका, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके लाइम क्वार्ट निकाला गया है, लेमन ड्रेन पूछता है लेमन क्रॉस संतरा के बीच में, टेंजोर पूछता है माल्टा और संतरा के बीच में, टेंजोर काफ़ी मोस्ट है इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है अंबिका का संकर बताना है, ठीक है, अंबिका एक प्रजाति किसकी है, मैंगो की है, आम की है, तो इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे आम्रपाली क्रॉस जनार्दन पसंद, आम्रपाली क्रॉस अल्फांसो, आम्रपाली क्रॉस लंगड़ा, आम्रपाली क्रॉस चौसा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम्रपाली क्रॉस जनार्दन पसंद, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके अंबिका वैरायटी निकाली गई है जो कि मैंगो की एक संकर वैरायटी है। और भी कुछ क्रॉस हैं इनको भी देख लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अंबिका का हो गया आम्रपाली जनार्दन पसंद, मल्लिका का नीलम क्रॉस दशहरी याद रखेंगे, रत्ना का नीलम क्रॉस अल्फांसो याद रखेंगे, सिंधु का रत्ना क्रॉस अल्फांसो, आम्रपाली का दशहरी क्रॉस नीलम, तो ये सब एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद के फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फ्यूमेरिक अम्ल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टार्टरिक एसिड जो पाया जाता है ये अमरूद के फलों में पाया जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब की बात करें तो सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सेब में पूछे तो कौन सा अम्ल, सेब में याद रखेंगे मैलिक एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सूची वन को सूची दो से सुमिलित करना है, ठीक है, सूची वन में कुछ फलों के नाम दिए हैं और सूची दो के अंदर कुछ किस्मों के यानी कि वैरायटियों के नाम दिए हैं, तो कौन से फल की कौन सी वैरायटी है ये आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे मैच कराकर देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर पपीता की वैरायटी आपको बताना है, तो अर्का सूर्या क्या पपीता की वैरायटी है, जी एकदम सही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चार नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है, उसके बाद देखेंगे आंवला की वैरायटी, आंवला की वैरायटी लक्ष्मी बारह, ठीक है, ये यहाँ पर मैच कर रहा है। उसके बाद देखेंगे केला की वैरायटी ग्रैंड नेने, ये केला की वैरायटी हो जाएगी, दो ऑप्शन दो के साथ चला जाएगा। नींबू की वैरायटी परमालिनी, ठीक है, ये नींबू की वैरायटी है याद रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भी कुछ वैरायटियाँ हैं उनको हम देख लेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पपीता की कुछ वैरायटियाँ अर्का सूर्या, वाशिंगटन, हनी ड्यू, पूसा नन्हा,
आंवला की कुछ वैरायटियां आपको याद रखना है, जैसे लक्ष्मी 12, बनारसी, NA9, चकैया, हाथी झूल। केला की वैरायटी पुवन याद रखेंगे, बसरई, ड्वार्फ याद रखेंगे, नेंद्रन याद रखेंगे, ग्रैंड नैने याद रखेंगे, रोबस्टा। नींबू की वैरायटियां परमलिनी, सिलेक्शन 149, चक्रधर और साईं सरबती। ये सब नींबू की वैरायटियां हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार ये वैरायटियां पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 के अंदर कुछ फलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उस फलों से संबंधित रोग दिए हुए हैं, तो कौन सा फल का कौन सा रोग है ये आपको मैच कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंगो का इसमें रोग बताना है, मैंगो में कौन सा रोग लगता है। तो यहाँ देखेंगे मैंगो में जो रोग लगता है एंथ्रोक्नोज, ये मैंगो से संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट का 4 के साथ देख सकते हैं यहाँ पर है। उसके बाद देखेंगे मौसम्बी, मौसम्बी में जो रोग लगता है वो ग्रीनिंग की समस्या इसमें आ जाती है, किसमें, मौसम्बी में, थर्ड ऑप्शन के साथ। अमरूद में जानते हैं क्या होता है, उकठा विल्ट लगता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, 2 के साथ। उसके बाद केला में पनामा विल्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा केला में पनामा विल्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि आम में जो एंथ्रोक्नोज लगता है वो किसके कारण लगता है, तो क्लोटोट्राइकम, ठीक है, क्लोटोट्राइकम के कारण लगता है ये। मौसमी में जो ग्रीनिंग लगता है वो बैक्टीरियल डिजीज है। अमरूद में उकठा जो लगता है फंगस के कारण लगता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज इसको प्रभावित करता है। केला में पनामा विल्ट जो लगता है ये भी फफूंद के कारण होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर। 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न फलों में से किस कौन सा फल गूदा जीर्ण अमातिसार के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, बेल हो जाएगा, केथा हो जाएगा या इमली हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 124 का बी ऑप्शन, यानी कि बेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका बेल का वैज्ञानिक नाम होता है एग्लस मार्मोलस, ठीक है। इसमें विटामिन B2 की मात्रा अधिक पाई जाती है और यह एक प्रकार का औषधीय के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, औषधीय में इसका काम में लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है, ठीक है। इसमें से बताना कौन सा फल क्लाइमेट्रिक है। पीछे हम बता चुके हैं कौन से क्लाइमेट्रिक होते हैं, कौन से नॉन क्लाइमेट्रिक, अगर आप लोगों को याद होंगे तो इसमें से सही आंसर आप लोग निकाल लेंगे। तो क्लाइमेट्रिक फल आपको छांटना है, अंगूर है, फालसा है, पपीता है या अंजीर है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट्रिक फल हो जाएगा वो हो जाएगा पपीता, ठीक है। पपीता एक प्रकार का क्लाइमेट्रिक है, बाकी फालसा, अंजीर और अंगूर तीनों आपको याद रखना है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। नॉन क्लाइमेट्रिक वे फल होते हैं जो तोड़ने के बाद नहीं पकते, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नॉन क्लाइमेट्रिक वे फल होते हैं जो तोड़ने के बाद नहीं पकते, जैसे नींबू, अंगूर, अनार, बेल, लीची, अनानास। क्या इनको पका सकते हैं, नहीं पका सकते तोड़ने के बाद। और वे फल क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं, वे फल जो तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है या पकते रहते हैं, उसमें मिठास धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे आम है, आम तोड़ने के बाद धीरे धीरे वो पकता रहता है। केला है, वो भी पकता रहता है। अमरूद है, पपीता, सेब है, सपोटा है, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर आ जाएंगे। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक दोनों फ्रूट आप लोगों को याद हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्वेश्चन नंबर 126 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की अंबे बहार फसल नीमन के लिए यूरिया का छिड़काव दर क्या रखा जाता है, ठीक है। इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की एक वैरायटी है, ठीक है, और इसमें अंबे बहार के लिए पूछ रहा है, नीमन के लिए, जिसको हम किस नाम से, बहार के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए यूरिया का छिड़काव दर कितना रखते हैं, 5 से 6%, 7 से 8%, 10 से 11 या 12 से 14। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 से 11% रखा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे अमरूद में 3 प्रकार की बहार पाई जाती है, कौन कौन सी होती हैं। एक होती है मृग बहार, अंबे बहार और हस्त बहार। मृग बहार के अंदर जो फूल लगते हैं वो जून जुलाई में फूल लगते हैं। अंबे बहार के अंदर जो फूल लगते हैं वो फरवरी में
फूल देखने को मिलते हैं, और हस्त बाहर में जो फूल लगते हैं वो अक्टूबर में लगते हैं। ये तीनों ही बाहर काफ़ी मोस्ट परीक्षा में बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इलाहाबाद सफ़ेदा अमरूद की अंबे बहार फला नियमन के लिए यूरिया 10% की दर से छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्ग बहुभ्रूणता के संदर्भ में पॉलीएम्ब्रियोनी के संबंध संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे बहुभ्रूणीय पौधे मात्र वृक्ष के समान होते हैं, जी एकदम फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे केवल ओनली वन करेक्ट, ठीक है, केवल फर्स्ट ही सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नींबू वर्गीय बहुरूणीय पौधे मात्र वृक्ष के समान होते हैं, बाकी सभी लक्षण जो है मात्र वृक्ष से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लुकाट का वनस्पतिक नाम, ठीक है, लुकाट का बॉटनिकल नेम बताना है क्या हो जाएगा। तो लुकाट का बॉटनिकल नेम होता है एरियोबोट्राइटिस जेपोनिका, ठीक है, याद रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों अधिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखेंगे लुकाट का पूछे तो लुकाट का वैज्ञानिक नाम एरियोबोट्राइटा जापोनिका हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आम का मैग्नीफेरा इंडिका जानते हैं, आंवला का एम्बेलीफेरिका ऑप्शिनेलिस, अमरूद का सीडियम गुआजावा, तो यहाँ पर सभी का बॉटनिकल नेम आपको याद होने चाहिए। 129 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधरोपण में इस्तेमाल किया जाता है, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्ट्रॉबेरी पौधे का बताना है कौन सा भाग रोपण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे बताना है स्टोलन का, रनर का, या बाकी ऑप्शन और देख लेंगे इसमें से कौन सा। तो वैसे स्ट्रॉबेरी को बताए हैं, स्ट्रॉबेरी का हम रनर्स के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम उपभूस्तारी कहते हैं, उपभूस्तारी, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। अनानास का पूछे तो अनानास याद रखेंगे, अनानास सकर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अनानास किसके द्वारा किया जाता है, सकर्स के द्वारा। केला का पूछे तो स्वार्ड सकर्स, ठीक है, स्वार्ड सकर्स। लीची का पूछे तो एयर लेरिंग यानी कि गुटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 130 पर, क्वेश्चन नंबर 130 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूलवृंत सबसे बौना होता है, ठीक है, सबसे बौना मूलवृंत बताना है एप्पल का कौन सा होता है। M27 होता है, M11 होता है, M9 होता है, M25 होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि M27 होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी मूलवृंत हैं उनके बारे में हम देख लेंगे यहाँ पर। अधिकतर प्रबल पूछे तो मूलवृंत कौन सा हो जाएगा, मलिंग 16 हो जाएगा, ठीक है, मलिंग 26 और M M 109, ये सब अधिक प्रबल हैं। प्रबल मूलवृंत M M 104, इसको भी आपको याद रखना है। या सेमी ड्वार्फ पूछे, अर्धबोना पूछे, तो M7 आपको याद रखना है, M26 याद रखना है, M9 याद रखना है, M M 106 याद रखना है। अत्यधिक बौना मूलवृंत मोस्ट ड्वार्फ, ठीक है, तो यहाँ पर M27 और M8, इन सबको मूलवृंतों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आम की सिंधु प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की थी, नीलम ने, या रत्ना दशहरी, या अल्फांसो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अल्फांसो, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं रत्ना क्रॉस अल्फांसो, ठीक है, एक प्रकार की सिंधु वैरायटी बनी थी, सीड रहित यानी कि बीज रहित वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है, याद रखेंगे, तो अल्फांसो का महत्वपूर्ण भूमिका था इसमें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपको बताना है। सेब का है, स्पोटा का है, नींबू का है, केला का है, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ग्रेनुलेशन ये किससे संबंधित है, नींबू से संबंधित है, सिट्रस से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में यूपी टीजीटी पीजीटी या एसटीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कार्बिक एसिड की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। एस्कार्बिक एसिड का संबंध किससे है दोस्तों, विटामिन सी से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, आंवला में, आम में, सेब में या संतरा में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, आंवला के अंदर है। ठीक है, अगर आंवला ऑप्शन में नहीं है, अगर वहाँ पर बारबेंडस चेरी दिया है तो बारबेंडस चेरी में सबसे हाईएस्ट मात्रा में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है बारबेंडस चेरी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद किसका नाम आता है, आंवले का नाम आता है। पके हुए आम की बात करें तो उसमें के अंदर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, सेब में मैलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है। अभी अभी बताएं सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो पके हुए जो आम होते हैं उसके अंदर विटामिन ए की मात्रा हाईएस्ट देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पके हुए जो आम होते हैं उसमें 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट के बराबर पाया जाता है। उसके बाद गाजर का नंबर आता है 3150 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद पका पपीता 2020 IU। उसके बाद पका हुआ टमाटर इसको 525 IU पाया जाता है। तो इन सबको आपको याद रखना है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135 दोस्तों। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है या भारत है। तो विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चीन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करता है, सब्जी उत्पादन करता है, दोनों में फर्स्ट रैंक है। सेकंड नंबर पे भारत का आता है, चाहे सब्जी हो चाहे क्या नाम है फल है, दोनों में भारत का सेकंड नंबर आता है, याद रखेंगे। 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि चीन। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पे कौन सा, चीन, दूसरे भारत, तीसरे ब्राज़ील, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर टर्की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए संयुक्त है। आंवला की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिससे हम पेठा बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखेंगे नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 5, दो ऑप्शन और देख लेते हैं। दो ऑप्शन और आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, नरेंद्र आंवला 9 और फ्रांसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नरेंद्र आंवला 9 जो है इससे हम क्या बना सकते हैं, पेठा बनाने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। ठीक है, नरेंद्र आंवला 9 जो कि नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या द्वारा ये निकाली गई है। सिलेक्शन किससे है नरेंद्र 9 का, तो ये बनारसी जो किस्म है इससे सिलेक्शन करके इसको निकाला गया है। तो फल जो होते हैं इसके काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, लगभग 47.5 ग्राम का एक फल का वजन होता है, ये आपको याद रखना है। और बनारसी की बात कर लेते हैं, बनारसी जो किस्म है इससे हम कैंडी बनाने के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, और इसे मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गणेश एक महत्वपूर्ण किस्म है। तो गणेश काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये किसकी है ये बताना है। कटहल की है, अंजीर की है, बेल की है या अनार की है। तो ये अनार की महत्वपूर्ण वैरायटी है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है एक बीज पत्रीय नहीं है। एक बीज पत्री नहीं है इसमें से आपको बताना है, केला है, प्याज है, पपीता है या अनानास है। तो एक बीज पत्री इसमें से कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता आपका एक बीज पत्री नहीं है, ये एक प्रकार का द्विबीज पत्री है। ठीक है, द्विबीज पत्री है, आपको याद रखना पपीता। बाकी केला, प्याज और अनानास ये सब तीनों क्या हैं, एक बीज पत्री वाले फल वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आजो विकी कारक फल के जोड़ों को चुनिए।
ठीक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट आपको इसको कहते हैं क्लाइमेट्रिक, ठीक है, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा देख लिया करिए आप लोग। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का जोड़ा इसमें से चुनना है कौन सा है, आम और दुकाट, पपीता और नींबू, केला और अंगूर, केला और पपीता। ये पीछे बता चुके हैं कौन कौन से क्लाइमेट्रिक होते हैं, कौन कौन से क्लाइमेट्रिक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जो क्लाइमेट्रिक में आ जाएंगे वो केला और पपीता, यानी कि तोड़ने के बाद हम इसको पकाया जा सकते हैं या पक जाएगा, ठीक है, तोड़ जैसे तोड़ाई करेंगे धीरे धीरे ये पकता रहेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेंगे, क्लाइमेट्रिक फ्रूट में मैंगो आ जाएगा, बनाना, पपाया, गुआवा, सपोटा, कीवी, फिग और एप्पल, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करेंगे, ऑरेंज आ जाएगा, मौसमी आ जाएगा, किन्नू आ जाएगा, ग्रेप्स फ्रूट आ जाएगा, ग्रेप्स आ जाएगा, और यहाँ पर पोमेग्रेनेट यानी कि अनार आ जाएगा, लीची आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा, चेरी आ जाएगा, रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, स्वीट बेरी, ठीक है, और कैरम्बोला आ जाएगा। तो ये सब कैश्यू, ये सब आ जाते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। सूची वन के अंदर आपके कुछ फसलों के नाम दिया हुआ है, सूची दो के अंदर फल का प्रकार दिया है, तो आपको बताना कौन से फसल का कौन सा फल का प्रकार होता है, ठीक है, तो मैच कराना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे सपोटा है, सपोटा का फल का प्रकार क्या हो जाएगा, तो सपोटा का जो फल का प्रकार होता है बेरी होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरी कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन पर है। उसके बाद अनार का फल का प्रकार क्या होता है, तो अनार का फल का प्रकार ब्लूस्टा होता है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अनानास का फल का प्रकार क्या होता है, तो अनानास का फल का प्रकार सेरोसिस होता है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और बेल का फल का प्रकार क्या होता है, एम्फीसरिका होता है, ठीक है, एम्फीसरिका यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 देखेंगे, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20%, 15%, 10% या 2.5%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10% याद रखेंगे, ठीक है, तो 9.89 के बराबर होता है भारत में, तो ये 10 के लगभग हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछे सब्जी उत्पादन में पूरे विश्व में, तो 15.1 याद रखेंगे, ठीक है, सब्जी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतम निर्यात आय होती है, पीछे बता चुके हैं, इसमें सेब में, आम में, स्ट्रॉबेरी या काजू, तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो किस में होता है, काजू में होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिससे विदेशी आय, विदेशी मुद्रा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको बेचकर, तो काजू सबसे मोस्ट है इसमें। काजू के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, वसा है, प्रोटीन है, ठीक है, और विटामिन से इनकी भरपूर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पनामा विल्ट अवरोधी केला की प्रजाति कौन सी है, बसराई है, रसथली है, लाल केला, पुवन, तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, पुवन के अंदर जो है पनामा विल्ट रोग नहीं लगता है, ठीक, अवरोधी प्रजाति है ये केला की, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अधिकतर ये व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है, पुवन की, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके गुच्छे का जो भार होता है वो 20 किलोग्राम लगभग होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 144 पर। 144 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एप्रीकोट, जिसको खुमानी के नाम से हम जानते हैं, इसकी कौन सी प्रजाति इसमें से उसको चिन्हित करना है, ठीक है, रोम ब्यूटी है, न्यूकैसल है, या थिम्सन है, या संता रोसा है। तो यहाँ पे एप्रीकोट की वैरायटी बताना है कौन सी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न्यूकैसल जो है ये एक प्रकार की एप्रीकोट यानी कि खुबानी की वैरायटी है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो एप्रीकोट जो है इसका प्रवर्धन जो है सील्ड कलिकाओं द्वारा करते हैं, ठीक है, और ये जो प्रवर्धन का समय है मई जून यानी सितंबर माह में करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेब के फल में लाली किसकी वजह से होता है, ठीक है, रेड कलर बताना है, तो रेडनेस एप्पल में किसकी वजह से होता है ये देखेंगे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं चारों क्या है।
चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या जेंथोफिल। तो सेब के फल में लाली यानी कि लाल रंग किसकी वजह से आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि एंथोसाइनिन के कारण आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण, उसके बाद देखेंगे गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण, पपीता का लाल रंग ठीक है पीला रंग जेंथोफिल पिगमेंट ठीक है इसके कारण आता है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गोविंद बताना किस फसल की प्रजाति है, आंवला की है, बेल की है, फालसा की है, अखरोट की है, तो गोविंद बताना है वैरायटी किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अखरोट की वैरायटी है, काफ़ी फेमस वैरायटी है, बहुत बार यहाँ पूछा है गोविंद वैरायटी किसकी है, तो अखरोट की वैरायटी है ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है और इसके छिलके जो होते हैं काफ़ी पतले होते हैं और उपज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेस्पेरेडियम कहा जाता है ठीक है, किस फल को या वनस्पतिक भाषा में हेस्पेरेडियम कहा जाता है, कटहल को, संतरा को, लीची को या सेब को। तो जानते हैं नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उनके फल का जो प्रकार होता है क्या होता है, हेस्पेरेडियम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं संतरा जो है ये नींबू वर्गीय फल के अंतर्गत आता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148 ओलूर बताना है, ओलूर निम्नलिखित फलों में से किसकी बहुभ्रूणीय प्रजाति है ठीक है, ओलूर बताना है किसकी बहुभ्रूणीय पॉलीएम्ब्रोनी वैरायटी है। तो पॉलीएम्ब्रोनी वैरायटी जो ओलूर है ये हो जाएगी मैंगो की, आम की पीछे बता चुके हैं ओलूर है, बप्पा काई है, चंद्रकरण है, बेलेरी है, ये सब वैरायटियां जो हैं ये मैंगो की बहुभ्रूणीय प्रजातियां हैं ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, गोवा को, चंद्रकरण को, बेलारी को, ओलूर को, मलगांव को ठीक है, ये सब आम की बहुभ्रूणीय प्रजातियां पॉलीएम्ब्रोनी वैरायटियां हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की रत्ना प्रजाति निकाली गई है, तो आम की जो रत्ना वैरायटी है ये किसकी किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नीलम क्रॉस अल्फांसो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी क्रॉस हैं उनको याद रखेंगे, जैसे नीलम क्रॉस दशहरी इनसे मल्लिका तैयार की गई है, दशहरी क्रॉस नीलम आम्रपाली याद रखेंगे, नीलम क्रॉस अल्फांसो रत्ना, रत्ना क्रॉस अल्फांसो सिंधु सीडलेस वैरायटी ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 150 पर दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आम के लिए बौना मूलवृंत कौन सा है, तो आम के लिए बौना मूलवृंत रूट स्टॉक फॉर मैंगो का पूछ रहा है, ड्वार्फ रूट स्टॉक वही मैंगो का, ओलूर है, तोतापरी रेड स्मॉल है, अल्फांसो है, दशहरी है। तो जानते ही हैं रूट स्टॉक सबसे बौना जो है मैंगो का वो हो जाएगा यहाँ पर आम का बौना मूलवृंत ठीक है, वो दशहरी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आम का लंबा मूलवृंत ओलूर हो जाएगा, आम का मध्यम मूलवृंत अल्फांसो हो जाएगा, आम का बौना मूलवृंत दशहरी हो जाएगा ठीक है, याद रखेंगे दशहरी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार शीतोष्ण फल है, अखरोट है, चिलगोजा है, आलू बुखारा या बादाम, तो कौन सा सदाबहार शीतोष्ण फल है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिलगोजा जो है ये सदाबहार शीतोष्ण फल है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप याद रखेंगे अखरोट को भी याद रखेंगे, जो गर्म जलवायु का पौधा है अखरोट, आलू बुखारा, बादाम, काजू और किशमिश, और ठंडे प्रदेश का जो ठंडे शीतोष्ण जलवायु का पौधा जो है चिलगोजा और सेब, ये दोनों याद रखेंगे, तो सेब ऑप्शन में था नहीं इसलिए हमारा चिलगोजा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आम की किस्म बताना इसमें से कौन सी नहीं है, अर्का अरुणा ठीक है, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का हंस, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्का हंस जो है ये किसकी वैरायटी है,
ये मैंगो की वैरायटी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आम की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे आम की वैरायटी अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, सिंधु, आम्रपाली, चौसा, दशहरी, मलिका, रत्ना, ये सब मैंगो की वैरायटियाँ हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153। 153 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फल भारत का देशज फल है। ठीक है, भारत का देशज फल है यानी कि उत्पत्ति स्थान भारत से माना गया है, ये अब आपको बताना है। तो क्या आम और केला का उत्पत्ति स्थान भारत है, केला और कटहल का उत्पत्ति स्थान भारत है, आंवला और फालसा का उत्पत्ति स्थान भारत है, या जितने भी आप देख रहे हैं फल ये सभी उत्पत्ति स्थान भारत है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केला, आम, बेल, कटहल, आंवला, फालसा, इन सब का उत्पत्ति स्थान इंडिया माना जाता है यानी कि भारत माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फालसा, आम, आंवला, कटहल, बेल, आम, केला, पपीता, अमरूद, ठीक है, इन सब का उत्पत्ति स्थान भारत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा ज्वाइंट पपीता की किस्म है। ठीक है, डायोसियस है, गायनोडायोसियस है, मोनोसियस है या एंड्रोमोनोसियस है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये डायोसियस है, पूसा ज्वाइंट एक प्रकार की डायोसियस वेराइटी है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डायोसियस में और भी कुछ प्रजातियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। डायोसियस प्रजातियाँ, पूसा ज्वाइंट को याद कर लीजिए, पूसा नन्हा को याद कर लीजिए। गायनोडायोसियस में सूर्या, सूर्या मेजेस्टी, ठीक है, सूर्या और पूसा मेजेस्टी दो वेराइटियाँ जो हैं ये आपकी गायनोडायोसियस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सूर्या और पूसा मेजेस्टी गायनोडायोसियस वेराइटी हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 155 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बेर के पेड़ के कटाई छटाई की जाती है। तो आपको बताना है बेर के अंदर कटाई छटाई कौन से महीने में की जाती है और कब की जाती है। तो ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आपको याद रखना है, गर्मियों में इसकी कटाई छटाई का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुसंख्यक प्रजनन उपयुक्त है फल वाली फसलों में, सब्जी वाली फसलों में, या छोटे दाने वाली अनाज वाली फसलों के लिए, या फूल वाली फसलों के लिए। तो यहाँ पर बताना है तो ब्रीडिंग बल्क जो पॉपुलेशन ब्रीडिंग है सबसे ज़्यादा किसमें की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि छोटे दाने वाली अनाज वाली फसलों में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं छोटे दाने वाली अनाज वाली फसलों के लिए बहुसंख्यक प्रजनन प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। नींबू वर्गीय फलों के लिए गोदिंत रोग रोधी मूलविंद कौन सा है। ठीक है, तो गमोसिस रेस्टेंट सिट्रस की वैरायटी बताना है, रूट स्टॉक बताना है कौन सा है। मीठा नींबू है, करना खट्टा है, जंभीरी है, या कह सकते हैं क्लियोप्टेरा मैंड्रीन है। तो यहाँ पर 157 को जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जंभीरी जो है मूलविंद सिट्रस का, ये गमोसिस रेसिस्टेंट वेराइटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158। 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की गुठली रहित यानी कि सिंधु वैरायटी जो सीडलेस वैरायटी है ये कहाँ से निकाली गई। IARI न्यू दिल्ली, IIHR बेंगलोर, या APAU हैदराबाद, या यहाँ पर कोंकण कृषि विश्वविद्यालय डम्पोरी महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली महाराष्ट्र से ये सिंधु वैरायटी निकाली गई, जिसका क्रॉस भी आपको याद रखना है रत्ना क्रॉस अल्फांसो। ठीक है, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके ये निकाला गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में। हम क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को TA के एग्ज़ाम के लिए, UP, TGT, PGT और STA एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट बेहतरीन प्रश्नों के लेकर उपस्थित रहेंगे। तो कल फुल मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।